हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज के वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर के करेंगे। इसमें मैंने फरवरी एंड मार्च के मिक्स करंट अफेयर्स लिए हैं। मैंने आंसर नहीं लिखा बिकॉज आप लोग पिछले वीडियो में काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम आंसर मत लिखो, तो मैंने नहीं लिखा है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद जैसे आप हर मॉक टेस्ट में करते हो आउट ऑफ 50 अपने मार्क्स कमेंट करते हो, इसमें भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ओके। एंड दोज जो हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप हमारा इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एनीवन वांट मॉक टेस्ट फॉर एमएनएस, तो वो मैं नीचे लिंक दे दूंगी, आप यहाँ से जाके मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? कौन सा स्टेट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का होस्ट करने वाला है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटका। अपनी ये नोटबुक लेके बैठा करो गाइस प्लीज़, और अगर नोटबुक नहीं है तो नीचे जो लाइव चैट चल रहा है वहीं पर मुझे अपने आंसर्स लिख के दिखाओ। चलो, इसका आंसर है डी, कर्नाटका। कर्नाटका जो है ये सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स करने वाला है। देखो बहुत सारे होते हैं ये यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, तो इसमें यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हैं ना वही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। ये शेड्यूल्ड हुआ है कि इस साल के मतलब 2021 के लास्ट में होगा ये जो गेम्स है। ये बेंगलुरु जैन यूनिवर्सिटी और उधर के आसपास के जो स्टेट के वेन्यू है यहाँ पे होगा। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसके साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप भी की है। अगला है, हु वॉन बेस्ट एक्टर फीमेल इन दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? तो ये अवार्ड है जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए किसको मिला है 2021 का अवार्ड? दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या सुष्मिता सेन? ये क्वेश्चन तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जल्दी से आंसर करो इसका। सुष्मिता सेन की तो कोई मूवी ही नहीं आई है 2021 में, तो ये तो हो ही नहीं सकती है ना। इसका करेक्ट आंसर है ए, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जो है इनको ये अवार्ड मिला है। इनको किस मूवी के लिए अवार्ड मिला है? जो छपाक इन्होंने मूवी की थी एसिड अटैक सर्वाइवर। आई एम श्योर आपने ये मूवी देखी है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ देखना, दिस मूवी इज़ वेरी गुड। अगर आप मूवी देखना नहीं पसंद करते तो जो ये लक्ष्मी है इनकी ही आप लाइफ स्टोरी या कुछ इनके बारे में जो वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं वो देख के देखना, बहुत इंस्पायरिंग है। एंड जो अक्षय कुमार हैं इनको मेल के लिए मिला है। एंड नेक्स्ट इज अजय देवगन, काजल और सैफ अली खान, इनकी जो एक मूवी थी तानाजी द अनसंग वॉरियर, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो तीन क्वेश्चन हमारे यहीं से बन गए। तो अगर आप अच्छे से नोट कर रहे हो ना तो आपको एक वीडियो में ही, इसलिए मैंने ऐसे डिस्क्रिप्शन देके इस वीडियो में डाला है ताकि आपको और भी कुछ कुछ चीज़ें बता सकूँ। नेक्स्ट है, हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021? तो मेन्स सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में किसने जीता है? दिस इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शंस है डैनियल मेडवेडेव, नोवाक डोजोकोविक, रॉजर फेडरर या राफेल नडेल। इसका करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, या आप तुक्का भी लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो इनको मिला था फरवरी 21 को, इन्होंने डिफीट किया है डैनियल मेडवेडेव को जो कि रशिया के हैं, और ये कुछ इनके स्कोर्स थे, इतना डीप में नहीं आएगा। एंड ये जो ग्रैंड स्लैम था ये नोवाक का 18th ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने जीता है, ठीक है। जस्ट दो बिहाइंड है राफेल नडेला एंड रॉजर फेडरर के, काफ़ी अच्छे प्लेयर है ये तीनों ही, ठीक है, नोवाक, राफेल नडेल एंड रॉजर फेडरर। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बॉट एन ऑर्डिनेंस दैट विल गिव को ओनरशिप प्रॉपर्टी टू द वुमेन इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड? तो किस स्टेट ने ये ऑर्डिनेंस लाया है कि जो फीमेल हैं, जो वुमेन हैं, उनको भी अपने हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी ओनरशिप मिलेगा? ऑप्शंस हैं केरला, असम, मेघालय या उत्तराखंड। सो दिस इज़ क्वेश्चन फोर्थ एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ये ऑर्डिनेंस लाया है और उन्होंने ये को ओनरशिप दी है वुमेन को कि वो अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो उनके हस्बैंड के हैं उनके पास भी राइट होगा। The ordinance by the government has been brought in the view of the large scale migration of men from hilly areas of the state in the search of livelihood. तो देखो घर चलाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऑर्डिनेंस लाया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, व्हेन विल हरिद्वार कुंभ मेला 2021 बिगिन। तो जो हरिद्वार कुंभ मेला है 2021 का, वो कब से स्टार्ट होगा? मार्च 1st, अप्रैल 1st, मई 1st या अप्रैल 30? ये होगा अप्रैल 1st से। जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो इस बार का कुंभ मेला है वो जस्ट 30 डेज़ का होगा। पहले ये 3-3 महीनों तक चलता था। दिस वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ऑन फरवरी 18 में। जो चीफ सेक्रेटरी हैं ओम प्रकाश, इन्होंने ये चीज़ इन्फॉर्म कर दी थी। दिस टाइम द कुंभ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट इवेंट ऑफ हिंदू विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 1 टू अप्रैल 30। तो ये हिंदू का एक बहुत ही सीक्रेट इवेंट माना जाता है कुंभ मेला, आपने बहुत सुना होगा। और इस साल सिर्फ ये 30 दिन का रखा गया है, फिर भी इसमें काफ़ी सारे कोविड जो साधु महात्मा लोग होते हैं उन लोगों को कोविड हो गया है, अभी न्यूज़ में आ रहा था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड सोलर बैंक। वर्ल्ड सोलर बैंक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करने के लिए सोच रहा है? यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सार्क या वर्ल्ड बैंक? आप इसमें गेस भी कर सकते हो, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ पुट फॉरवर्ड द डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। किसने ये डिमांड की है कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाया जाए? ऑप्शंस है प्रद्योत किशोरी माणिक्य, विजय कुमार, बिबलाब कुमार या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। सो त्रिपुरा रॉयल सायोन प्रद्योत किशोर रिसेंटली पुट फॉरवर्ड अ न्यू पॉलिटिकल डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। तो इन्होंने एक न्यू डिमांड दी है। ये जो डिमांड है, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था स्टेट प्रेजिडेंट्स ऑफ कांग्रेस पार्टी से, उसके 17 महीने बाद इन्होंने ये डिमांड की है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ परमिटेड इट्स वुमेन टू एंटर द मिलिट्री इन द लैंडमार्क मूव। तो कौन से नेशन ने वुमेन्स को अपनी मिलिट्री में एंटर करने दिया है? सीरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ अरेबिया या UAE? तो ये किया है साउथ अरेबिया ने। ठीक है, ये काफ़ी एक लैंडमार्क मतलब बड़ा डिसीजन है जो साउथ किंगडम ऑफ साउथ अरेबिया, उन्होंने अरेबियन वुमेन टू टेक अप आर्म्स एंड एंटर इन द मिलिट्री। तो इन्होंने अलाउड कर दिया अरेबियन वुमेन्स को कि वो आर्म्स वगैरह मतलब गन या कुछ भी है वो सब लेके मिलिट्री में एंटर कर सकती है। वो किसी भी पोस्ट पे एम्प्लॉय हो सकती है, एज अ सोल्डर, एज अ लैंस कॉर्पोरल, एज अ कॉर्पल, सर्जेंट, स्टाफ सर्जेंट। ठीक है, इन सब पोस्ट में से किसी भी पोस्ट पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर इनॉग्रेट अटल पर्यावरण भवन इन विच यूनियन टेरिटरी। अटल पर्यावरण भवन बनाया गया है कौन से यूनियन टेरिटरी में? जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रोड फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट। कौन से स्टेट ने कंस्ट्रक्ट किया है प्लास्टिक वेस्ट से रोड? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर या असम? अच्छा, एक बात बताती हूँ, जैसे हमारे बायो के बुक में आपने पीछे देखा होगा ना, एक एक्सपेरिमेंट या किसी इंसान का बताया कि उन्होंने प्लास्टिक को बिटुमिन के साथ कैसे मिक्स करके रोड बनाया था जिससे रोड बहुत लॉन्गर लास्ट हो सकते हैं, और वो इंडिया के ही हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। ये मतलब इतनी अच्छी चीज़ की गई है इंडिया की तरफ से, लेकिन अभी भी जो हमारी कंट्री में रोड बनते हैं उसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती थी। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा किया गया है प्लास्टिक वेस्ट से। देखो, इससे दो तीर से एक निशाना वाली बात हो गई, हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। प्लस इंडिया में अभी भी कितने जगह आपने देखा होगा रोड्स नहीं है, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है, कच्ची मिट्टी के जो रास्ते होते हैं वैसे ही है। तो हम प्लास्टिक को भी इससे ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और रोड्स भी अच्छे बना सकते हैं जो लॉन्गर लास्ट करें। सो ये किस गवर्नमेंट ने किया है, किस स्टेट ने किया है? त्रिपुरा ने। ठीक है, त्रिपुरा ने ये बनाया गया है। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है बपिल लाल कुमार देव। तो ये डिसीजन इन्होंने फरवरी में लिया था। जो मेन एम है इसका, ये यही है कि प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस किया जाए और एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू एलिमिनेट विच डिजीज़ बाय 2025। तो 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एम किया है कि एक डिजीज़ है इसमें से जिसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। वो कौन सी डिजीज़ है? हेपेटाइटिस, डेंगू, मलेरिया या ट्यूबरक्लोसिस?
तो वो डिजीज़ है ट्यूबरक्लोसिस। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ये जो उनका एम है एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस कंट्री से बाय 2025 ऐसा बोला है, ठीक है। ही सेड द वेयरिंग मास्क अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट आर इम्पॉर्टेंट इन इट्स प्रिवेंशन। तो मास्क पहनना, अर्ली डायग्नोस्ट करना, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, ये तो हर डिजीज़ के लिए है ना। अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो आप, और तब उनका स्टेज भी ज़्यादा नहीं होगा किसी भी बीमारी का, तो आप उसको बेटर तरीके से ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ पास्ड अ लॉ आस्किंग फेसबुक एंड गूगल टू पे फॉर द न्यूज़ कंटेंट शेयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म। किस कंट्री ने एक लॉ पास्ट किया है जिसमें फेसबुक और गूगल को पे करना पड़ेगा जो भी न्यूज़ कंटेंट उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। सो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये पास किया है लॉ ऑन फेब्रवरी 2021 रिक्वायरिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी जाइंट टू पे न्यूज़ कंटेंट शेयर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इन अ मूव दैट हैज़ बीन क्लोजली वॉच अराउंड द वर्ल्ड। ये क्यों ऐसा किया है और करना मतलब ज़रूरी भी मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज फेसबुक पे तो काफ़ी ज़्यादा फेक न्यूज़ रोटेट होते हैं आप सबको ही पता है, लेकिन गूगल भी पूरी तरीके से सही नहीं है। गूगल पे वेबसाइट बनाना बहुत इजी है, ठीक है, हम वेबसाइट बना के कुछ भी वहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे आपने यूट्यूब को भी देखा होगा, यूट्यूब की बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे आपको बेकार कंटेंट भी मिल जाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको एसेस करना कितना ईजी है, बिकॉज इंटरनेट सबके पास है, कोई भी उन वीडियोस को इजीली असेस कर सकता है, छोटे बच्चे हो या कोई भी हो। और हम जैसा कंटेंट देखते हैं हमारे दिमाग पे वैसा ही इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप फेक न्यूज़ सर्कुलेट कर रहे हो या आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ना किसी भी तरीके से। नेक्स्ट है, द फर्स्ट अंडर सी टनल ऑफ इंडिया विल बी बिल्ड इन विच सिटी। एक अंडर सी टनल बनाया जा रहा है सबसे पहली बार इंडिया में, ये कौन सी सिटी में बनेगा? बेंगलुरु, मुंबई, कोची या हैदराबाद? ये बन रहा है मुंबई में, ठीक है, सबसे पहली बार बन रहा है और ये बोला जा रहा है कि 2023 तक बन जाएगा। द अंडर सी टनल विल बी बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। तो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है इसी के पार्ट के अंदर ये बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2021। तो ये ऐसे रोटेट करते हैं, अभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म भी बताया था पिछले सेशन में ही, ठीक है। तो जो ब्रिक्स कंट्री क्या होते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो एक एक करके कंट्री इसकी चेयरमैनशिप लेती है। तो 2021 के लिए कौन लेगा ये पूछा है, इंडिया लेगा, इंडिया को एज्यूम किया जा रहा है कि ये चेयरमैनशिप लेगा 2021 का। और ये भी मैंने बता दिया आपको कि उसमें इतनी सारी कंट्रीज़ होती है, 7 कंट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन द फर्स्ट वन टू हैव 100 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो कौन से इंडियन क्रिकेटर बन गए हैं जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पे? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या रोहित शर्मा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विराट कोहली। तो जो इंडियन स्किपर है विराट कोहली, ये बन चुके हैं पहले क्रिकेटर जिनके 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं। इंस्टाग्राम क्या है आप सबको पता ही होगा, एंड बाहर के जो कुछ कुछ सेलिब्रिटी हैं जैसे लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर नेमार, बियॉन्से और ऐसे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो सबके भी 100 मिलियंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच इंडियन बॉक्सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैम्पियनशिप एंड वेटरन्स कम्युनिटी। तो किसको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन इंडियन बॉक्सर, इसमें से कौन है? अमित पंगल, वीरेंद्र सिंह, मैरी कॉम या विकास कृष्णन? सो ये किया गया है मैरी कॉम को, ठीक है, बहुत ही प्राउड वाली बात है, इनको अपॉइंट किया गया है। AIBA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट है, द इंडियन एयरफोर्स गिफ्टेड 1971 वॉर हेलीकॉप्टर टू विच नेशन। 1917 वॉर में ये हेलीकॉप्टर यूज़ हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, इस हेलीकॉप्टर को गिफ्ट कर दिया गया है कौन से नेशन को? रशिया, जर्मनी, बांग्लादेश या फ्रांस? ये दे दिया गया है बांग्लादेश को। जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ है RKS भदौरिया, नाम याद रखना है, इन्होंने ये गिफ्ट किया है। और सिर्फ इंडिया ने ही उनको नहीं दिया, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है बांग्लादेश ने हमें, ठीक है। रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया, बांग्लादेश के जो एयरफोर्स चीफ है उन्होंने अपनी एक एयरक्राफ्ट जो है एज अ रिटर्न गिफ्ट दी है।
नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा अवार्ड फॉर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021. तो किस मूवी को मिला है, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, मैंक, द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 या नोमैड लैंड. तो ये जो मूवी है उसका नाम है नोमैड लैंड, और इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं उनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है, और ये अवार्ड मिलने के बाद वो सेकंड वुमेन बन चुकी है जिनको ये अवार्ड मिला है. नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट हैज़ ऑफर टेम्प्रेरी लीगल रेजिडेंसी टू इमिग्रेंट्स फ्रॉम विच नेशन. किस देश के इमिग्रेंट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने टेम्प्रेरी लीगल रेजिडेंसी ऑफर की है, मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली या वेनेजुएला. ये किया है वेनेजुएला को. तो जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो टेम्प्रेरी लीगल रेजिडेंसी देंगे 100,000 वेनेजुएलंस को जो अपनी कंट्री से भाग के आए हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स. नेक्स्ट है द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड वुमेन ऑफिसर्स ऑन वॉरशिप दिस ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर. तो वॉरशिप जो है वहाँ पे वुमेन को डिप्लॉय किया गया है फिर से, कितने सालों के गैप के बाद ये किया गया है, 19 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स या 32 ईयर्स. ये किया गया है 23 ईयर्स के बाद. ठीक है, तो ये बहुत ही मेजर मूव है. ऑब्वियसली ये मेजर मूव है, मतलब इतने सालों के गैप के बाद वुमेन्स ऑफिसर वॉरशिप पे जाएंगी. टू वुमेन्स ऑफिसर्स हैव बीन पोस्टेड ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य वाइल अदर टू हैव बीन डिप्लॉयड ऑन द टैंकर शिप INS शक्ति. चार वुमेन ऑफिसर्स को भेज भी दिया है, ऑन बोर्ड कर दिया है. ठीक है, दो जो हैं उनमें से विक्रम आदित्य पे गई हैं और दो जो हैं INS शक्ति पे गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ अनवील्ड $25 million इन ग्रांट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया. किस कंपनी ने $25 million दिया है वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए इंडिया को. ठीक है, गूगल, फेसबुक, एप्पल या अमेज़ॉन. तो ये किया गया है गूगल की तरफ से. तो गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई, उन्होंने अनाउंस किया है कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा 8 मार्च को. इसमें इतना मिलियन डॉलर्स दिया जाएगा नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइज जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू स्पेस एजेंसी हैव डेवलप्ड अ रेडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन. तो इस मिशन के लिए किस दो स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक रेडार बनाया है, नासा, ESA, नासा और जैक्सा, इसरो एंड रॉस कॉस्मोस या इसरो एंड नासा. तो इन चारों में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है, जल्दी से लिखो. इसका करेक्ट आंसर है इसरो एंड नासा. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नासा इन दोनों ने मिलकर, नासा कहाँ की है, US की स्पेस एजेंसी है, इसरो इंडिया की है, इन दोनों ने मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार बनाया है विच इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीम हाई रेजोल्यूशन इमेज फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन. ये केपेबल है कि काफ़ी रेजोल्यूशन की वजह से हम जितना अच्छा कैमरा लेते हैं हमारी फोटोज उतनी अच्छी आती है, हम जितना जूम करते हैं उतनी क्लियरली दिखाई देती है. तो वैसा ही बहुत ही एक्सट्रीमली हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सकता है ये रेडार, जिससे जो अर्थ को ऑब्जर्व करने का मिशन है उसमें काफ़ी हेल्प होगी. नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ लॉन्च इस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस. तो देखो स्पेस में भी अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज लॉन्च कर दी है, ये कौन सा नेशन है, USA, फ्रांस, रशिया या चाइना. तो ये है फ्रांस. फ्रांस ने अपना स्पेस में फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है ताकि अगर स्पेस में आगे जाके कुछ हो तो ये लोग खुद को डिफेंड कर सके. सही है, मतलब और क्या. नेक्स्ट है डस्ट लेक 2 इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू नेशन. इम्पॉर्टेंट है इंडिया उज़्बेकिस्तान, इंडिया टर्की, इंडिया अफगानिस्तान या इंडिया कजाकिस्तान. तो ये किया गया है इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान के बीच में. ये 10 मार्च को हुआ था उत्तराखंड में. ठीक है, ये सेकेंड एडिशन था एनुअल बायलैटरल जॉइंट एक्सरसाइज का. इस ये आर्मी की एक्सरसाइज थी, इसमें इंडिया और उज़्बेकिस्तान की आर्मी एक साथ एक्सरसाइज करती है. नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट हैज़ अनाउंसड दैट इट विल बिड फॉर 2048 ओलंपिक. तो 2048
में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसके लिए बिडिंग्स अभी से हो चुकी है। तो इन जो ये स्टेट है इन्होंने अनाउंस किया है कि ये लोग करेंगे, तो कौन है ये, महाराष्ट्र, उड़ीसा, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो ये है दिल्ली, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बोला है कि दिल्ली होस्ट करना चाहता है, उसके लिए वो बिड करेगा। बिड मतलब बोली लगाना। अब जब बोली लगाते हैं, बिड करते हैं, तो पैसे देने पड़ते हैं ना। जो भी कंट्री होस्ट करता है वो ओलंपिक कम्युनिटी को पैसे देता है। तो दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने बोला कि इसका विजन हमने पहले से दिल्ली के बजट में सेट कर रखा था। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप वॉज कमीशन्ड इन इंडियन नेवी ऑन March 10, 2021। तो मार्च का ये करंट अफेयर है, ठीक है। तो कौन सा इंडियन नेवी शिप है जो कमीशन्ड हुआ है, INS गजरंज, INS वेला, INS वगीर या INS खंदेरी। तो ये जो शिप है, INS मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, यह ए INS करंज। INS करंज है ये इंडिया का थर्ड स्कॉर्पिनी क्लास सबमरीन है। अगला है, व्हेन विल द क्वाड लीडर्स मीटिंग टेक प्लेस। क्वाड लीडर्स जो है उनकी मीटिंग कब होगी, March 9, March 10, March 12 या March 15। तो ये होने वाली है March 10 को, जो फर्स्ट एवर समिट होगी क्वाड लीडर्स की, वो वर्चुअली मोड पे होगी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेट, उसके साथ साथ जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वाड मतलब चार कंट्री होती है इसमें, तो इंडिया हो गया, आपको इंडिया के दिख गए, देन जापान, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। जिन प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर के नाम लिखे हैं साथ में, आप उसको भी याद कर लो, ऐसे याद कर लो, जापान का सुगा, ठीक है, जापान का सुगा, और यूनाइटेड स्टेट्स का तो सबको याद ही होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, और अपनी कंट्री का तो पता ही होगा तुम्हें, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू रेलवे हेल्पलाइन नंबर। रेलवे ने एक नया हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है, वो कौन सा है पता नहीं, इन पे कॉल भी जाते हैं कि नहीं, ये लोग सिर्फ नंबर ही लॉन्च करते रहते हैं, 110, 123, 139 या 140। ये है 139। सो रेलवे ने बोला है कि उन्होंने सारी जो हेल्पलाइन नंबर है उनको मर्ज करके एक सिंगल हेल्पलाइन नंबर बना दिए। कोई भी क्वेरी हो, मतलब पहले ऐसा होता होगा कि अलग अलग क्वेरीज के लिए अलग अलग नंबर होते होंगे, पर अभी आप सिर्फ इसी नंबर पे कॉल करोगे तो कोई भी क्वेरी, कंप्लेंट, कोई भी असिस्टेंस है आपको, तो ये सब आपका वहाँ पे एड्रेस हो जाएगा या आपको हेल्प मिल जाएगी। ट्राई करके देखना, कुछ प्रॉब्लम हुई कभी तो। नेक्स्ट है, विच इंडियन एक्टर विल कन्फर्ड विद द 21st फिल्म आर्कीव अवार्ड। किस इंडियन एक्टर को मिला है ये अवार्ड। ऑप्शंस है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दिलीप कुमार या अनुपम खेर। इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ बच्चन, इनको यह अवार्ड मिला गया है बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। ये सेरेमनी वर्चुअली हुई थी March 19, 2021 को, जो लेजेंडरी फिल्म मेकर है क्रिस्टोफर और मार्टिन, इन लोगों ने ये अवार्ड प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के न्यू चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया है, तीरथ सिंह रावत, अजय भट्ट, धान सिंह रावत या अनिल बलूनी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, तीरथ सिंह रावत। जो है इन्होंने अपनी ओथ ली है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ऑन March 10, 2021। इनको ये लोकसभा के एमपी थे फ्रॉम गढ़वाल, इनको इलेक्ट किया गया है। यहाँ के जो पहले मिनिस्टर थे त्रिरेंद्र सिंह रावत, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपने पोस्ट से, तो इसलिए अभी ये आए हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विल बी सेटिंग अप विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन विच हिल स्टेशन। कौन से हिल स्टेशन में गवर्नमेंट एक विंटर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट सेटअप करने वाला है, दार्जिलिंग, मनीला, गुलमर्ग या शिमला। तो यहीं ये जगह है सारी जहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट यहीं पे हो रहा है। कौन सी जगह पे हो रहा है आपको बताना है, ये हो रहा है गुलमर्ग में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये स्पेसिफिकली वर्क कर रही है कि जो कश्मीरी यूथ हैं
उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ट्रेन किया जाए। और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन इन T20। T20 में कौन से पहले बैट्समैन बन चुके हैं जिन्होंने इतना रन स्कोर किया है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जियो रूट या बेन स्ट्रोक। करेक्ट आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट है, विच नेशन हैज़ थ्रेटन्ड टू बैन ट्विटर नेक्स्ट मंथ। ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा उनके देश से, जैसे हमारे देश से टिकटॉक को, पबजी को कर दिया गया है, वैसा किसने बोला है, कौन सी कंट्री ने उनको थ्रेट किया है, US, फ्रांस, रशिया या इंडिया। सो ये किया गया है रशिया की तरफ से, रशिया ने बोला है कि वो ब्लॉक कर देगी जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, ट्विटर को बोला गया है अनलेस वो जो उनकी डिमांड है उनके कुछ कंटेंट को रिमूव किया जाए। कुछ कुछ ऐसे कंटेंट होंगे ट्विटर पे जो रशियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आए, और रशियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये भी बोला है कि ट्विटर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग यूज़ एंड ट्वीट एनकरेज चिल्ड्रन टू अटेम्प्ट सुसाइड, ऐसे चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। सो ये बात जो मैंने पहले भी बोली कि जो जितने भी ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट है वहाँ पे लोगों को फ्रीडम होती है कि वो कुछ भी पोस्ट कर सके, तो कुछ लोग मतलब इतनी हद तक गिर जाते हैं कि कुछ भी चीज़ें पोस्ट करने लगते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग यूजर्स का तो आपने देखा ही होगा, मतलब नॉर्मल ड्रग की भी बात करूँ अगर मैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इन सब को प्रमोट करते हुए, स्मोक करते हुए कितने ही लोगों को आपने देखा होगा ऐसे वीडियोज़ एंड फोटोज़ डालते रहते हैं। नेक्स्ट है, विच नेशन प्रेजिडेंट पास्ड अवे ऑन March 17, 2021। तो कौन से नेशन के प्रेजिडेंट जो हैं जिनकी डेथ हो गई है, यमन, नाइजीरिया, तंजानिया या आर्मेनिया। ये है तंजानिया, तंजानिया के जो प्रेजिडेंट है जॉन पॉम्बी, नाम याद रखना, ये इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 61। और सो इसके हिसाब से जो तंजानिया की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो इनके वाइस प्रेजिडेंट हैं वो अभी वहाँ के न्यू प्रेजिडेंट बन जाएंगी, और बनने के बाद ये पहली ऐसी फीमेल बन गई है उस कंट्री के जो प्रेजिडेंट है। नाम क्या है इनका, साम्या सुलुहु, इनका नाम भी याद रखना, फर्स्ट प्रेजिडेंट बन गई है, एंड इनका भी नाम याद रखना जिनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव अलॉन्ग विद विच नेशन। कौन से नेशन के साथ इंडिया मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है, फ्रांस, UK, US या इटली। तो ये किया जा रहा है US के साथ मिलके। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉज डिक्लेयर्ड एज द मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना के लिए कौन से स्टेट को एज अ मॉडल स्टेट डिक्लेयर किया गया, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या मणिपुर। ये किया गया है मणिपुर को, मणिपुर इसका विनर डिक्लेयर किया गया। मॉडल स्टेट मतलब बहुत अच्छे से इसके पैरामीटर पे खड़ी उतरी है और लोगों को या बाकी स्टेट्स को उसको एज अ मॉडल स्टेट देखना चाहिए। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक। फर्स्ट इंडियन फेंसर कौन बन गई है, कविता देवी, रियो रीता देवी, एम्बिली या भावनी देवी। सो ये है भावनी देवी, इन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई किया है और ये फर्स्ट इंडियन फेंसर बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट है, हु वन गैमी 2021 अवार्ड इन रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी में गैमी अवार्ड किसको मिला है, बिली एलिश, हैरी स्टाइल, लेडी गागा या बियॉन्से। ये मिला है बिली एलिश को, जो बिली एलिश है ये फर्स्ट बनी है सोलो आर्टिस्ट जिन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये 2 साल से जीत रही हैं। बियॉन्से जो थी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय मोस्ट अवार्डेड वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ गैमी अवार्ड विद 28 विन। इनको 28 बार बियॉन्से को मिला है और बिली एलिश को 2 साल से गैमी अवार्ड मिल रहा है। नेक्स्ट है, विच मूवी वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। कौन सी मूवी को मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड। देखो फिल्म के भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को याद रखना। करंट अफेयर से वैसे भी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है क्योंकि, और ज़्यादा जो भी आते हैं वो उस पर बेस्ड होते हैं, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, इंडेक्स हो गया। सो मूवीज़ वगैरह के ऊपर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बुक्स के ऊपर आते हैं लेकिन मूवीज़ पर उतने नहीं आते। ये मूवी थी छिछोरे।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द न्यू लीगल ड्रिंकिंग एज इन दिल्ली, दिल्ली में नया लीगल एज क्या बन गया है ड्रिंक करने के लिए, 21 ईयर्स, 25 ईयर, 23 ईयर, 25 ईयर या 20 ईयर। तो ये हो गया 21 ईयर। पहले कितना था दिल्ली में, प्रीवियसली था 25, अब इसको और घटा दिया है और घटा के कर दिया है 21 ईयर, मतलब 21 या 21 ईयर के कोई भी ऊपर है तो वो अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट इज नासा क्यूरियोसिटी रोवर शेयर्ड अ वीडियो ऑफ अर्थ लाइक क्लाउड पासिंग ओवर विच प्लैनेट। नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने एक वीडियो शेयर किया है कि एक अर्थ लाइक क्लाउड है वो कौन से प्लैनेट के ऊपर से जा रहा था, सैटर्न, जुपिटर, मार्स या वीनस। इट इज मार्स। नेक्स्ट विच नेशन इंडिजीनियसली डेवलप्स इट्स फर्स्ट सैटेलाइट चैलेंज वन, किस नेशन ने अपना पहला सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है चैलेंज वन, टर्की, इसराइल, ट्यूनीशिया या आर्मेनिया। तो ये कंट्री है ट्यूनीशिया। सो जो रशिया है इन्होंने 38 फॉरेन सैटेलाइट्स, मतलब जो उनकी कंट्री की नहीं है उसको लॉन्च किया था, इसमें से ट्यूनीशिया का भी एक सैटेलाइट था जो कम्प्लीटली उधर ही उन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है विच नेशन लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट, अभी बताया ना किसने लॉन्च किया ये, जल्दी से बोलो, रशिया ने। पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। ओके, कौन कौन सी कंट्री थी इसमें, साउथ कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, ब्राज़ील, इन सब कंट्रीज़ की सैटेलाइट थी जो इन्होंने लॉन्च की थी रशिया ने। नेक्स्ट है द ग्राम उजाला स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, ग्राम उजाला स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या बिहार। ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। जो यूनियन पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है आरके सिंह, इन्होंने ये लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंडर जो रूरल एरिया है वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में LED बल्ब्स मिलेंगे। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ऑर्डर्ड एन इन्वेस्टिगेशन इन विच मैसेजिंग ऐप अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी बीच में काफ़ी चला था कि व्हाट्सएप, बता ही दिया मैंने आंसर, ठीक है, व्हाट्सएप जो है कि इतने तारीख के बाद चलना बंद हो जाएगा, कुछ उसको परमिशन देनी पड़ेगी, देन वैसा कुछ हुआ नहीं, व्हाट्सएप अभी भी प्रॉपरली चल ही रहा है, लेकिन उसकी नई जो प्राइवेसी पॉलिसी आई थी काफ़ी लोग उसमें बोल रहे थे कि ऐसा कुछ है कि वो आपके सारे मैसेजेस पब्लिक कर सकता है एंड ऑल। तो इसी की वजह से जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने ऑर्डर किया था कि इसके ऊपर एक मतलब चेकिंग की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए, ठीक है, व्हाट्सएप। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग फॉर अ टू विजिट टू विच नेशन, कौन से नेशन में गए थे, बांग्लादेश में गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ की PM से भी वो मिले थे, ठीक है, तो बांग्लादेश में गए थे, वहाँ की PM कौन है, शेख हसीना। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड, किसको ऑनर किया गया है, इरफान खान, ऋषि कपूर, रजनीकांत या सलमान खान। सो ये दिया गया है रजनीकांत को। सो रजनीकांत को एक बहुत ही लेजेंडरी एक्टर माना जाता है, इंडियन एक्टर, और ये साउथ इंडियन मूवीज़ तो इन्होंने काफ़ी सारी की ही है, और ये जो अवार्ड है ये हाइएस्ट फिल्म ऑनर अवार्ड माना जाता है। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ रजिस्टर्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी कोविड वैक्सीन बना दी गई है, तो ये कौन सा देश है जिसने पहली बार ये रजिस्टर्ड किया, बोला कि हाँ हमारी जो COVID-19 वैक्सीन है वो एनिमल्स के लिए भी बन गई है, US, रशिया, चाइना, UK। ये किया है रशिया ने, रशिया ने रजिस्टर्ड किया है, एंड इसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी बिगन हो गए थे, किस किस पे किया है, कैट्स पे, डॉग्स पे, मिंक्स पे, फॉक्सेस पे, आर्टिक फॉक्स और अदर एनिमल्स, इन सब पे उन्होंने टेस्टिंग भी कर रखी है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ प्रोसेसिंग ऑटो डेबिट पेमेंट टिल व्हाट। ये कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्स्पेक्टिव से, ये कर दिया गया है 30 सितंबर तक, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, लेट्स स्किप दिस। इंडिया हैज़ जॉइंटली सेट अप अ फ्रेंडशिप पार्क विद विच नेशन, एक फ्रेंडशिप पार्क बनाया है इंडिया ने किस नेशन के साथ, श्रीलंका, वियतनाम, रिपब्लिक ऑफ कोरिया या मलेशिया, जल्दी से आंसर करो। ये किया गया है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह और जो कोरिया के हैं शू वोक,
इन दोनों ने मिलकर दिल्ली में ये पार्क इनॉग्रेट किया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रूज सर्विस हैज़ बीन लॉन्च बिटवीन सूरत एंड विच सिटी, सूरत और किस सिटी के बीच में लॉन्च किया गया है क्रूज सर्विस, मुंबई, दीव, सिलवासा या कच्छ। तो ये किया गया है दीव में, ठीक है, तो सूरत से लेके दीव तक चलेगा ये। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मनसुख मंदाविया, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाजिया पोर्ट सूरत पे जो है वहाँ से। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो, मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किया, आपने तो लिखा होगा अपनी नोटबुक में, तो आप मुझे नीचे लिख के बताना आपके कितने क्वेश्चंस में से कितने मार्क्स आए हैं। ओके, अराउंड 50 तो होंगे ही, 50 से या एक दो कम हो सकते हैं, बट जितने भी हैं आपने अटेम्प्ट किया है तो आप मुझे अपने नीचे मार्क्स लिख के उसमें से बताना है। बिकॉज आपके ये रिक्वेस्ट करने पे मैंने इस तरीके से बनाया, नहीं तो आपको पता है मैं नीचे ही आंसर लिख देती थी, मैंने ऐसे नेक्स्ट पेज पे लिख के बताया ताकि आप अटेम्प्ट कर सको, ताकि आपको अगर इस तरीके से बेनिफिट होता है या इस तरीके से आपको पढ़ना पसंद है तो आप इसी तरीके से कर लो। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना भी कर सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर जिसने नहीं किया अभी तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर रह चुका है वो मैं जल्दी डाल दूंगी, सो स्टे ट्यून्ड।